नमस्कार नमस्कार। हेलो हेलो, अभी कॉल पे थोड़ा क्लैप आ गए। मैं अभी बता रहा था इनको कि कॉल शुरू हुआ एंड द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड शैक्स, कह रहे गांड गुजाए क्या आज? हाउ वुड आई टॉक टू यू इफ आई वाज इन पर्सन? लाइक आशीष आएगा, आशीष सबसे पहले ऐसा ऐसा रोहन, आशीष शुड बी लाइक ऐसा कपड़ा ठीक करा रहेगा कुछ ऐसा, हेडफोन हेडफोन निकालेगा, क्या चल रहा है क्या? How does Rohan enter? Gently. No, no, he comes with, he'll come with his bag. Oh, in real life, Rohan has just come from the gym. Always come from gym. Yours is always approach and immediately molest Ashish's spine. Like that is your key. I think one day in this lockdown, Tanmay is going to hire a VFast guy to just come to Ashish's house. Just do this and run away very quickly. Like, Zakir aega room mein, Zakir will be like, क्या हाल है भाई, सब ठीक है क्या हाल है? और ये जाकिर इज, ही विल हैव कम फ्रॉम लाइक से लाइक व्हाटएवर दादर पे ब्रिज क्रॉस करके समथिंग ही वुड हैव सीन, ओके, वन थिंग ही वुड हैव सीन ऑन द रोड, बट दैट इज अ स्टोरी। आगे आज आज भाई आज का बैठक शुरू करते, क्या हाल है भाई? वैसे जाकिर क्या चल रहा है आज? आप उठ गए सर दोपहर के 2:30 बजे, यार यू आर अवेक, इट्स वेरी थैंकफुल। सर आई विल टेल यू अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस स्केड्यूल, मैं जिशान और ये विश्वास हम लोग तीनों रह रहे हैं साथ में यहाँ पे मुंबई में अभी, तो क्या हो रहा था कि हम सुबह सो रहे थे 7 बजे 8 बजे 7 बजे 8 बजे। अब जो है हमारा स्लीप साइकिल एकदम परफेक्ट है, हम रोज रात को 2 बजे करीब सो जाते हैं और 8-9 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, सिंक हो गए आपके पीरियड, सिंक हो गए हमने, हाँ हमने ना एक पूरा दिन स्किप कर दिया है। हम 7 बजे सोने लगे, फिर हम 9 बजे सोए, फिर हम 3 बजे सोए, फिर 4 बजे सोए, 4-5 दिन और अब वापस रात को आ गए। फॉर्मूला 1 में ओवरलैप होता है ना वैसा ही। आई वांट टू कांग्रेचुलेट जाकिर ऑन बीइंग फर्स्ट पर्सन टू गेट एंड बीट जेट लैग इन सेम सिटी, गॉट जेट लैग एंड बीट जेट लैग इन द सेम सिटी। I every evening like a fucking fool climb my water tank and stand there. I look like such a chutia, but I'm just standing there on my water tank looking at the sky like this. Like, yeah, we're just now discovering ki guys open air and sunlight is quite nice. We should. Lekin tere nahi miss ho raha hai na ye? Nahi bhai, ek to hum ghar mein 3 log hain. दूसरा बहुत ज्यादा बोर होता है तो मैं खिड़की खोल के लोगों से आवाज ला के बात कर लेता हूँ, क्या लेने आया यहाँ से, अलग पूछता हूँ टेला है न्यूटेला। लाइक दैट डे मी एंड नवीद वी फकिंग वेंट आउट टू पाली मार्केट एंड वी गॉट, मतलब बिस्किट लिया, ऐसा वेफर लिया, फिर ऐसा इतना एक्साइट नूडल भी उठा लिया, फिर 2-3 दुकान देख लिया हम लोग, 2-3-4 दुकान हो गया एंड बाय द एंड ऑफ इट लाइक You know, वो जिंदगी ना दुबे मिलेगी दोबारा का म्यूजिक बजाता, हम लोग फुल रोड ट्रिप बना के आ गया वापस उड़ी 100%। That's how we're meeting people. I met Navid at Pali Market. I'm like, and now we're recognizing each other just from here. One of my biggest questions about the burqa has finally been answered. Like as a result, how would you recognize? Like how do you recognize? I'm like, wait, eventually enough cues are enough. Like if you really try, cues are enough. Yeah. If you notice a man in Pali Market crying from behind, that's me. इतने में कितना बिस्किट खाएगा। Have you been doing this when you go out to shop? I don't need that many chips or biscuits, but because no. I'm like fuck food. No, and not just I do it for things that I have no idea how to cook. Like the other day, I came back with 4 heads of broccoli. Why? Are you guys like, सब लोग ऐसा कचरा नहीं खा रहे हैं यहाँ पे? मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कचरा, बिकॉज सो आई हैव रियलाइज्ड आई एम 2 पीपल, अंटिल 10 PM आई एम 1 पर्सन एंड बिटवीन 10 PM एंड 4 AM आई एम अ डिफरेंट पर्सन, लाइक एंड द टू हैव नो कनेक्शन विद ईच अदर, द टू पीपल हैव नो कनेक्शन विद ईच अदर। रोहन अंटिल 10 PM ईट स्पिनच एंड ब्रोकली, रोहन आफ्टर 10 PM आई डू, आई एम नॉट कीडिंग, द अदर डे आई कॉट माई सेल्फ
I was using a Dairy Milk ka slab as a spoon for my ice cream. Like, I'm like, मैं क्या गिरा हुआ इंसान? वाह, वही 10 feet दूर ब्रोकली ऐसा रो रहा है सब. क्या बिल्कुल भाई, आप हमें खाने वाले थे, क्या हुआ? बट क्वारंटीन के टाइम से ऐसा थोड़ा समर वेकेशन वाला वाइब आ रहा है. 100% कि ये टाइम पे कुछ भी चलेगा. टाइम डज नॉट एग्जिस्ट, रूल्स डोंट एग्जिस्ट. सर, आई वांट टू से समथिंग. सर, मैंने जो है, आप चाचा विधायक का शूट चल रहा था इसके पहले. सो मैं डाइट पे था, 5 kgs डाउन बॉय, ठीक है. ओह नाइस. एमएमए ट्रेनिंग, जिम मेंबरशिप एंड डाइट, नो बिरयानी, नो राइस. क्या बात है. और 2 महीने कंसिस्टेंट. तो मैंने मेरे डायरेक्टर से पूछा कि भाई कितना दिन लगेगा. उसने बोला बहुत टाइम लगेगा. मेरे डायरेक्टर ने मुझे उकसाया. उसने मुझे फोन किया, कह रहे सर अब तो बहुत दिन लगेंगे शूटिंग में. बोला क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार खाना खा रहा हूँ मैं. क्या? मैंने कहा यार ऐसी कुछ सलाद टाइप का. कहता अरे काय का सलाद, बिरयानी खाओ भाई अभी तो. मैंने कहा भाई अब तू ही जिम्मेदार है. यू हैव अवोकन द ड्रैगन. आई एम जस्ट इमेजिनिंग चाचा विधायक के अगले सीजन में सडनली तीसरे एपिसोड के बाद एक 20 ईयर टाइम जंप होगा. 20 ईयर्स लेटर ऐसा चल गया. सडनली हाँ, सडनली करिश्मा तन्ना और हितेन तेजवानी उसके बेटे बेटी. Start of lockdown, first week, 2 kilos I lost. I was like, amazing. मुझे तो आदत है अकेले रहने. Who's this boy? Yeah. Then it's like that How I Met Your Mother episode. No, nothing good happens after 2 a.m. Yeah, nothing. Correct. Not one good choice I've made. आज हम बात कर रहे हैं खाने के बारे में. ठीक है. क्योंकि हम lockdown में, I don't think मेरे cupboard में फिलहाल 6 अलग-अलग ब्रांड के नूडल्स पड़े जो पिछले 1 हफ्ते में इकट्ठे हुए. भिन्न भिन्न तरीके के बिस्किटों के पैकेट आर जस्ट अराउंड द हाउस. और बहुत कुछ रैंडम चकना जो बचपन से नहीं मिले थे वो सब भी आगे घर में. तो मैं सोचा आज हम बस बात करेंगे अबाउट द वेरियस फूड आइटम्स. सर मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी. आपने अपने लिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम को इग्नोर किया. वो है स्लाइस चीज के हर ब्रांड का पैकेट. स्लाइस चीज स्लाइस चीज के हर ब्रांड का पैकेट अपने घर पे. गो चाहिए भाई बताइए. केडर चाहिए बताइए. गोवर्धन, यू डोंट नो गोवर्धन डेयरी का गो चीज? ओह रियली? गोवर्धन डेयरी का गो चीज. गो है, अमूल है, ब्रिटानिया है. फिर एक ब्रांड जो मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं था लेकिन शेल्फ पे उसका एक पैकेट था तो मैंने बोला कोई और उठा लिया तो, और मैंने वो भी उठा लिया. चीज इज इंपॉर्टेंट. चीज सैंडविच हैज बीन डिस्कवर्ड. पहले हफ्ते में एक बार चीज सैंडविच खाता था. अभी तो नाउ बिकॉज हैक इज यू पुट चीज इन अ सैंडविच यू आर फुल फॉर लॉन्गर सो यू हैव टू कुक लेस. एंड इफ यू पुट चीज ऑन एनीथिंग दैट डज नॉट टेस्ट सो गुड दैट यू कुक्ड इट बिकम्स बेटर. गाइस लाइफ में कभी चीजी भिंडी खाई है? ओहो क्या बात है. चीजी और आप अगर कुछ ज्यादा ही खराब बन जाए तो उसको सैंडविच में डालकर उसके ऊपर चीज लगा के. Exactly. मेरे घर पे चीज स्प्रेड देखा मैंने. आई हैड नॉट नेवर हैड चीज स्प्रेड एंड टू मी दैट इज जस्ट व्हाट अ वाव कॉन. ये हुई ना टेक्नोलॉजी वाली बात. Yes, yes, वो हीट ट्वीट करने की जरूरत आप ये कर सकते हो और खत्म हो जाता है. आई डिडंट नो. बहुत कुछ नए नए डिस्कवरीज. बेसिकली लाइक व्हेन यू डिस्कवर दैट ऑल योर फेवरेट फूड्स आर अवेलेबल इन अ स्क्वीजेबल ट्यूब. मेरे को तो एक मुझे काओ और बफेलो के लिए बहुत रिस्पेक्ट आया है. राकेर वो इंडिया में तो क्वारंटाइन के पहले भी आ जाना चाहिए. मतलब नॉट ऑन दैट लेवल बट नहीं मतलब यार मतलब दूध में जो पावर है ना. हाँ दूध में जो पावर है भाई साहब वो मतलब आप सोच रहे उसने मतलब एक ही चीज अपने बाय प्रोडक्ट में उसने 4 हाई क्वालिटी चीजें निकाल दी. करेक्ट. आप चीज खा सकते हो, आप घी खा सकते हो, आप बटर खा सकते हो, आप पनीर खा सकते हो. करेक्ट. सब हाई वैल्यू. गाय इज इंडियाज बिगेस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट. उसने इतने मल्टीपल इंडस्ट्रीज को फंड किया है ना. इट्स मोस्ट वर्टिकल. मोस्ट वर्टिकल मतलब आप घटिया से घटिया खाने में आप घी डाल दो. आप मैगी में बटर डाल दो. राघव उस दिन टोस्ट बना था और मेरे को जो टोस्ट बनाने की जो आदत है वो
मैं ऐसे रॉ ब्रेड डाल देता हूँ और टोस्ट क्या है, इट्स जस्ट हार्ड ब्रेड, ओके दैट्स व्हाट टोस्ट इज, बस वो हार्ड होना है ना. और राघव ऐसे उसके ऊपर आई वांट टू सेंड माय अदर हॉट टेक, दिस इज आइस और आई लाइक टू कॉल इट हार्ड वाटर. तो मैं ऐसे करता हूँ, तो पर राघव करता, राघव पहले वो तवे के ऊपर बटर डाल रहा था ताकि वो ये बन जाए, लेयर बन जाए, उसके ऊपर ऐसे ब्रेड सेक रहा था. Yeah. Look at him, तो बटर क्यों डाल रहा है, तो he's like, इससे वो I know that juicy butter. वो जब ब्रेड आप ऐसे दबाते हो ना तो उसमें से थोड़ा माउथ सेक. आपने कभी दूध की चीजों में दूध मिला है, जैसे कि आप अगर बटर टोस्ट लगा लो, ठीक है, टोस्ट पे बटर लगा लो और उसके बाद डुबो के अगर दूध के ग्लास में आप खाते हैं, अरे ओहो हो, बात इतनी नहीं है. जब उसके बाद आप टोस्ट खत्म होने के बाद जब दूध पीते हैं तो उसमें एक हल्का सा बटर का टेस्ट. हाँ, वो भी है, दूध में बटर का टेस्ट. हाँ. है या इट्स लाइक ईटिंग अ चिकन एंड एग सैंडविच, इट्स जस्ट या या इट्स ब्यूटीफुल. आई सॉ रेसिपी द अदर डे फॉर फ्राइड मिल्क, आई एम लाइक दैट्स पनीर. या आई वांट टू नो व्हाट इज फ्राइड मिल्क, नाउ आई एम इंटरेस्टेड. तेल में तल के दूध देंगे क्या, दिख रहा क्या? हाँ, फ्राइड मिल्क. हाँ, फ्राइड मिल्क ये होता है, ये फ्राइड मिल्क. ₹40 के लिए बेचता है यार, क्या बात कर रहे हो आप. एनीवे सर, मेन क्वेश्चन आई हैव फॉर यू, बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फेवरेट बिस्किट, विच वन, टॉप थ्री बता दो एंड व्हाई. And I want their why to have feeling in it. मुझे बताओ आपके शरीर में क्या होता है इन बिस्किट्स की वजह से. You have to have pure magic chocolate. Pure magic chocolate. Okay. Probably at the top. Chocolate, not vanilla. They're both very close, but I think chocolate has that. Chocolate. ये करने में ज़्यादा मज़ा. हाँ. Chocolate. मेरा efficient biscuit system ये है कि मैं सब biscuit का packet fridge में रखता हूँ. So cold biscuits. Great texture, never goes soggy. It's hard, but like that crumbly texture is retained. Sir, and I see your fridge strategy, and I raise it one level up. Okay. Sir, you put biscuit in milk, then you put it in fridge. Okay. Then you get what I call creme brulee. Sir, I see your creme brulee strategy and raise it up by one further, which is yes. You let a little ice cream melt a little bit, whatever flavor you want. Then you crumble your pure magic into that melted ice cream, mix it up, put it back in the fridge. Oh. Yeah. Re ice cream. Then, you re ice cream with little bits of pure magic in it now. So, I really hope 2 a.m. Zakir tries my strategy. I'll try this now. ये मैं इससे अछूता रह गया भाइयों, मैं फ्रिज मेरा गेम थोड़ा कमजोर निकला. फ्रिज गेम पर बिस्किट मेरे पास. हाँ, मेरा जो फेवरेट बिस्किट है वो है ब्रिटानिया बटर मैजिक. बटर मैजिक, ओके. हाँ, एक हल्का सा उन्होंने वो वाला टेस्ट जो ब्रेड पे हम लगाना चाहते हैं वो है उसमें ऑलरेडी. अच्छा, बटर मैजिक. एक मिनट, ब्रिटानिया बटर मैजिक क्या है, मेरे को पता नहीं, एक मिनट देखना पड़ेगा. गुड डे बटर सर. गुड डे बटर कुकी सर. दिस इज old school classic sir. Yeah sir, yeah. It's very basic. It's very school. yeah it is Udit Narayan of biscuits, let's put it that sir. Way yes. yes. Oh, that's very happy aur sabko happy karne wala. Yeah, correct. I feel like plus iske sath maine ye figure out kiya ki ye doodh mein agar gir bhi jaye to jo fikar nahi. Ha, yes, it's beautiful. What is the difference between cookie and biscuit? I think like कुकीज बिस्किट जब नहाता है और सूट पहनता है तो कुकी हो जाता है. बिस्किट जब 15 रुपए का मिलता है तो वो बिस्किट होता है. जब वो 150 रुपए का होता है तो वो कुकी होता है. जब बिस्किट को वीजा मिलता है तो वो कुकी बन जाता है. करेक्ट करेक्ट. कुकी एनआरआई है, बिस्किट लोकल है. बिस्किट विद एग, कुकी बिस्किट विद एग. कुकी वो बिस्किट होता है जो अपने घर पे आता है बोलता है, ओह वाओ, यू गाइस कैन नेटफ्लिक्स हियर आल्सो. क्योंकि वो बिस्किट है जो बोलता है कि मेरे को हिंदी नहीं आता है उतना. एवरीबॉडी वेलकम टू रोस्ट ऑफ कुकी. अच्छा अच्छा, ओके. रोहन, फेवरेट बिस्किट? ओ अगेन ओल्ड स्कूल क्लासिक, अपना वो ब्रिटानिया बर्बन बिस्किट. बर्बन आह बर्बन इज बर्बन
First of all, sir, one second. First of all, its name is not Bourbon, it's Bon Bon. Okay. Bon Bon, yes. Bon Bon. Fuck you bon if bon you biscuit. Call it Bourbon. Bon Bon biscuit. Bon Bon. No, biscuit. What is Bon what Bon? Is it's called Bon Bon, bon like biscuit. Zakir. It's a Bengali pet name. Yes. What is this? Bon yeah, Bon. It's called Bon Bon. Bon Bon. Bon Bon. Bon Bon. क्या बोलते हो अपना बेसिक ऑरेंज ऑरेंज ब्रिटानिया ऑरेंज क्रीम ठीक है ब्रिटानिया ऑरेंज क्रीम यस एंड बिकॉज नोबडी हैज ब्रॉट अप सेवरी बिस्किट्स येट फॉर मी इट्स अ क्रैक जैक और मोनाको ओहो फॉर दैट कंप्लीट चेंज इन वाइब Huh? Yes, yes, fair, fair, fair. 50-50 also. 50-50, yeah. 50-50 Crackjack Monaco. Sir, ye 50-50 Crackjack Monaco is... wo dessert quality nahi hai unme. Arre nahi, sir, lekin hai. Main aapko bata sakta hu. Ek hack hai. Amul ka ek cookies and cream ice cream hai jo aata hai. Agar wo cookies and cream ice cream liya aur do Monaco biscuit ke beech mein dala, to wo sweet and savory ka jo combination sandwich, ice cream sandwich milta hai, bhai sahab, matlab... Too good. Rohan, तू करते क्या किचन में? नहीं 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 मोनाको का पिच This is not me. This is 2 a.m. Rohan. नहीं 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 मोनाको मोनाको का पिच अलग था जाकर. मोनाको का पिच था कि चीज़ वीज़ वगैरह वगैरह. ऊपर चीज़ नीचे चीज़ सब तैयार है वो. हाँ मोनाको के एड्स भी आते रहे मैं देखता रहा मोनाको के एड्स जब मोनाको के एड्स में हमेशा एक तो सारे बिस्किट अपने आप घूमते थे मुझे पता नहीं कैसे कौन घुमा रहा है इन्हें ये कैमरा घूम रहा है पता नहीं और उसके ऊपर चीज होता रहा अलग अलग ऐसे अरेंजमेंट में चार बिस्किट एक साथ ऐसे ब्यूटीफुल पैटर्न्स चाट पापड़ी भी वो सजेस्ट करते थे कि आप मोनाको से खाओ हाँ एंड टू मार्केट इट एज हेल्दी बाइट लाइक बिकॉज इट्स स्मॉल राइट एंड यू पुट लाइक प्याज एंड अनियन ऑन इट इट्स लिटिल लाइक मोनाको की एक ही प्रॉब्लम है कि मोनाको को डुबाने के लिए कोई परफेक्ट चीज नहीं मिली अब तक नहीं आप उसे चाय में डाल सकते हैं दूध में डाल सकते हैं वो फिट नहीं बैठता है Yes, लेक है, लेक है, लेकिन वो चीज सॉस अनफॉर्चुनेटली डोमिनोज बनाता है अच्छा। सर उस चीज सॉस मैं तो उंगली भी खा लूं उससे बट सर आपने उसके बाद बोला 50-50 और क्रैक जैक सर आई वुड लाइक टू मेक नॉमिनेशन इन दिस सेवरी सर इट्स कॉल्ड मस्का चस्का आई डोंट नो इफ यू हैव हैड इट बट मस्का चस्का कंबाइंस आवर ओल्ड फ्रेंड्स चीज एंड मस्का अलोंग विद क्रैक जैक मेल्ट इन योर माउथ सर गलौटी कबाब ऑफ बिस्किट आई डोंट मीन टू अपसेट यू आई एम जस्ट सेइंग मस्का इज माय हंबल कंट्रीब्यूशन सर माय नॉमिनेशन इज अ बिस्किट दैट इज जिसका नाम और उसकी क्वालिटीज दोनों एक ही है विच इज नाइस आई डोंट नो इफ यू एवर हैड नाइस बिस्किट आई हैव हैड नाइस इज टू गुड इट्स नाइस बहुत ही नाइस बिस्किट है नाइस तो बोलता है कि भाई हमने तो मिक्स करने का भी वी डिडंट इवन प्रिटेंड हम बिस्किट बनाया फिर भूल गए कि शक्कर डालना होता है तो उसके ऊपर से थोड़ा शक्कर बस हमने छिड़क दिया है कि देखो भाई आप भूलना मत शक्कर डाला है देखो देखो है यहां पे गिन सकते हो आप व्हिच आई रियली लाइक अबाउट नाइस आई हैड अ वेरी हॉरिबल नाइस बिस्किट इज माय ऑलमोस्ट एनिमी आई हैड अ वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड तो मैं जब सेकंड ग्रेड सेकंड केजी 2 में था तो 1 2 3 मैंने सीखे ठीक है केजी 1 में 1 2 3 मैंने सीखे और मैं कलेक्टर के घर गया इंदौर के पापा के साथ अपने और बच्चा बिस्किट पसंद और शक्कर पसंद उसके पहले नाइस बिस्किट मैंने देखे नहीं और यहाँ पे प्लेट में आता है बूम दोनों साथ फक मेरा दिमाग खराब हो गया बिस्किट पे शक्कर तो अब क्योंकि मुझे कंटिन्यू अब प्लेट में उन्होंने रख दी अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने ही ठीक है तो आई डिसाइडेड टू काउंट साइलेंटली like some dumb kid who doesn't know that people can see you. Yes. फिर मैंने एक बिस्किट उठा लिया. अब सर मैंने सिर्फ काउंटिंग सीखी, सब्सट्रैक्शन और एडिशन नहीं. Now these are not eight. फिर से काउंट करना पड़ेगा ना. कलेक्टर की वाइफ ने भाई साहब फिर से एक और प्लेट बिस्किट के लेके आई कि मैं कब से देख रही हूँ गिने जा रहा है बेचारा खा खा के बेटा आप आराम से खाओ अच्छे से. इतना एम्बैरेसमेंट घर जाके पापा ने शक्कर का डब्बा दिया बिस्किट के चार पैकेट के खा जितना खाना है खा. टैक्स व्हाट डू यू से
No, I was like, you know, our mother se hamare ghar mein rotiyan gin ke nahi banti. Then auntie must have gone like, what is this? Yeah. Fucking give it. Haan, chalo. But the granddaddy of biscuits pe, sir. Yes. Sir, if I am not wrong, aap baat kar rahe hain Parle Ji ke bare mein. Of course. There is no discussion. There is no discussion, sir. Or as it's popularly known as glucose biscuit. Yes. Glucose biscuit. Jo, sir, dekho, ऐसी बिस्किट जो अगर आप मरीज हो और आपके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है yes, तो exactly. वो बिस्किट नहीं है सर, इट इज लाइफ. यस इट इज, इट इज लाइफ. फ्रॉम मरीज टू पोमरेनियन, एवरीवन यस लव पोमरेनियन, एवरीवन, इट इज द मोस्ट वर्सेटाइल बिस्किट. क्रेजी, इट इज द मोस्ट वर्सेटाइल. मरीज टू पोमरेनियन इज सच अ फनी. मरीज टू पोमरेनियन, उसका पार्ले जी की आइकॉनिक चीज है दो तीन. एक तो कि आप किसी को भी कहां भी डाल सकते हो. आप पार्ले जी कुत्ते के सामने रख दो, वो खा लेगा. आप किधर ऐसे बस पार्ले जी ऐसे रस्ते पे से खड़े रहेंगे ना, वो गायब हो जाएगी हाथ से. ठीक है, इट कैन नॉट, इट वोंट सस्टेन. सेकंड थिंग, इसको जो पैकेजिंग है ना, वो बाकी बिस्किट बदले ना बदले, पार्ले जी हैज रिमेन्ड द सेम पैकेज. उसमें वही बच्चा, ये करके वही फॉन्ट, वही सब कुछ. लाइक इट, लाइक द किड इज आस्किंग, बेंचोद यही चाहिए था तुम लोग को, इतना बेसिक यही था, इसमें क्या ही है, इतना क्यों खा रहे हो. सर पार्ले जी का एक क्लोज कंपेरेटर आया था विच ट्राइड, पर उसमें पार्ले जी की क्यूटनेस नहीं थी, जिसका नाम था टाइगर बिस्किट. हाँ, ओके, मतलब समोसा करके खाना होता. हाँ सर, टाइगर बिस्किट वाज द थम्स अप टू द पेप्सी एंड कोक वॉर. टाइगर बिस्किट वॉज लिटिल मोर पेप्सी, लाइक थम्स अप का थोड़ा लव है, यू नो, लाइक अपना नॉस्टैल्जिया लव है थम्स अप. लाइक पेप्सी की कोई कदर नहीं है, राइट? सो इन दैट वे आई थिंक टाइगर का वो था. पर वही ना कि जो देखो, बड़ा आदमी हिलता नहीं है इसकी छोटी हरकतों से. पार्ले जी ने ये सब हुआ, पर उसने ध्यान नहीं दिया. वो अपना बच्चा लेके बैठा रहा, अपना तो यही है दोस्त, चाहिए तो बोलो, नहीं तो निकलो. It's a difference between we think for 100 years, not for 1 year. Like, sir, देखो, form is temporary, but it's permanent, sir. It's permanent. This is a t-shirt. Form is temporary, but Parle Ji is permanent. और Parle Ji को अगर Parle Ji की एक खूबियत ये ना कि अगर आप उसे उल्टा भी देखो ना, तो भी इमीडिएटली चमकता है. लाइक आई कुड, मैं घर पे अगर ऑप्शन होता मार्बल के जगह, अगर पार्ले जी के उल्टे साइड वाले टेक्सचर लगा सकूं, आप नहीं लगाओगे? आपको नहीं लगता? इफ देर वॉज अ फुल फ्लोर मेड ऑफ पार्ले जी, यू वुड बी एबल टू स्लीप ऑन इट कंफर्टेबली. दिस रिबूट ऑफ चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री इज वियर्ड. अगर आप बॉम्बे में रहते हो तो यू विल हैव नोन पार्ले जी का डोमिनेशन मूव, व्हिच इज विले पार्ले में फैक्ट्री का. करेक्ट. So when you cross that bridge, that smell, it's like being in a giant fucking bakery. It's amazing. Correct. Parle Ji is like, fuck you, main idhar hai, smell karo, pura shahar mere ko smell kar raha hai. Gaand mara tumhare tiger ko. Parle Ji was also, mujhe nahi pata aap logon ke sath hua kya, like poor people's birthday food. Correct. Ek wo ek thoda sa mixture, do Parle Ji, ek pastry aur ek samosa. क्योंकि बर्थडे पार्टी के जो प्लेट में आता रहा समोसा, वेफर और एक पूरी पैकेट पार्ले जी, डोर कवर. डोर वाली पार्ले जी, वो पैकेजिंग से खुली भी नहीं है सर. उसमें वो कुकी वाला फीलिंग आता है जब आप पैकेट से खोल के खाते हो ना. दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट पार्ले जी. आई लव इट, यू आर राइट. तो वो कल्चरल डोमिनेंस का एक और साइन जो है बड़े आदमी ने दिया. करेक्ट. आपको क्या लग रहा था, नाश्ते के लिए? नहीं नहीं नहीं, बर्थडे पार्टी में भी हम तुम्हारी. एक और बिस्किट के दुनिया के दूसरे पापा है जो उतने अप्रिशिएटेड नहीं है जितने पार्ले जी. वो पुरानी जनरेशन के, वो गुरुकुल में जो अमिताभ बच्चन जो थे ना, वो जनरेशन. कोई पसंद नहीं करता पर मानना पड़ता है. जिसका नाम है मारी बिस्किट. ठीक है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मारी का. आई थिंक इट्स वेरी. क्या मारी गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पे सर? आई थिंक मुझे फर्क नहीं पड़ता.
चाय का फैन लेकिन 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 स्पेसिफिकली ब्रिटानिया का मारी, दूसरे सब ब्रांड का जो मारी बिस्किट है वो फ्रॉड है, वो फक कॉल है, वो नॉनसेंस है. मैंने बहुत रिसर्च किया है. Basically, all the other brands also have their own version. A Mari is a type of biscuit. So, you can get like a Parle Mari Gold. You can get, yes. Oh, wow, ये तो science. मेरे को etymology तो पता नहीं. No, and I realized the bad way. Because I used to just say Mari biscuit. And my local store used to sometimes send different ones. And कभी कभी चाय में डालते हैं. I'm like, इसका flavor इतना weird क्यों है? Like, क्या मेरी, like, to the point, I'm like, मेरा दूध खराब हो गया, क्या हुआ? And then I realized, fuck, this was another brand Mari. Like, no wonder. I learned recently. Beware of fakes and counterfeits. Like, so no, I learned recently that Mari is named, everyone also knows this, Mari is named for a Russian queen or like some aristocrat lady jo uska shaadi hua tha into a British family or French family, I'm forgetting the exact thing. Uske wedding pe banaya, her name was Mari. So uske wedding pe ye banaya tha sabse pehli baar. Achha, koi aur bada biscuit reh gaya kya? Haan, bol. Haan, haan, ek reh gaya hai. किसी ने यार ओरियो मेंशन नहीं किया, व्हाट इज द ओपिनियन? क्योंकि ओरियो फकॉल है, क्योंकि प्योर मैजिक मस्त है तो ओरियो की जरूरत ही क्या है लाइफ में. दैट्स व्हाट इट्स इंटरेस्टिंग राइट, बिकॉज़ अब्रॉड ओरियो इज लाइक वन बिग डील. इंडिया में आई मीन वी गेट द देसी वर्जन ऑफ व्हाटएवर. आई 100% विद यू. 450 रुपए का एक पैकेट मिलता है सर. एक बिस्किट है, आई वुड लाइक टू हम्बली नॉमिनेट इट आल्सो. यस प्लीज सर. एक बिस्किट है सर जिसका नाम इतना कैजुअल है ना, इसकी वजह से लोग सीरियसली नहीं लेते उसे. बिस्किट का नाम है जिम जैम. नोबडी अप्रिशिएट जिम जैम जस्ट बिकॉज उसमें ना क्रीम थोड़ा कम होता है ना, जनता को लगता है कि ये उतना कूल नहीं है. पर एक्सक्यूज मी, पर वो जो बीच वाला जो उसका जो साइंस है ना, बहुत अमेजिंग है. जस्ट व्हेन यू नो कि अच्छा मैं बिस्किट को समझ चुका हूं, मैं परख चुका हूं इस बिस्किट को, आई नो एवरीथिंग, देन सडनली द जैम कम्स लाइक यो यो यो, तुमने तो सिर्फ क्रीम टेस्ट किया मदरफकर, इसमें जैम भी है बेचो. Exactly how it is. In a beautiful song, suddenly there's Badshah rap. But it's good. Yeah. Oh, damn. Yeah. Amazing. Yeah. What a remix. That's true. true. एक और एक है जो I think does not get the respect that it deserves, क्योंकि it basically क्या बोलते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है. और ये एक्चुअली दो बिस्किट और नॉमिनेट करना चाहूंगा मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से. एक है खारी बिस्किट. खारी बिस्किट, ओहो, खारी बिस्किट भाई लोग. और दूसरा है खारी बिस्किट का ब्रिटिश कजिन श्रूसबेरी बिस्किट. श्रूसबेरी बिस्किट. अगर हम लोग बिस्किट, आई थिंक हम क्या हम ब्रेड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्या हम वो जो चाय टोस्ट करते हैं, क्या हम वो इसमें डाल सकते हैं? हाँ हाँ. I we are one step away from हम गोल्ड की बिस्किट के बारे में बात करें क्या? पर आई थिंक सर, आई वुड लाइक टू मेक एक्सेप्शन फॉर खारी बिस्किट. ऐसे दो तीन बिस्किटे हैं जो न्यूट्रिशन और टेस्ट कम, पर फैलने में बकचोदी ज्यादा है उनकी. वो बिस्किट आप खाओ ना तो चार साल साफ करना पड़ता है आपके पूरे कमरे. 100% उसमें से एक है खारी बिस्किट और दूसरा है सर ये डाइजेस्टिव्स आते हैं ना, तो इतने मोटे मोटे बिस्किट होते हैं जो आप बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े, उनको तोड़ो तो 450 टुकड़े बन जाते हैं उसके. हाँ हाँ वो वाले सबसे हरामजादे बिस्किट होते हैं सर. ये बिल्कुल अच्छा. आप अब जब हम क्योंकि खारी बिस्किट के लिए एक्सेप्शन हमने किया है, अच्छा, तो एक नॉमिनेशन मेरी तरफ से मठरी का भी मैं देना चाहूंगा. मठरी देखो देखो, आओ मठरी, वेरी गुड. मठरी की जो है खास बात ये भी है कि एक तो वो कंटेन रहती, ऊपर से क्रिस्पीनेस उसकी जो है डुबोने के बावजूद जाती नहीं. That's actually true. ऐसा नहीं कि खारी जैसे कहीं भी गए वहीं फिसल गए वहीं फैल गए. क्रिस्पीनेस मेंटेन. Do you eat khari biscuit on its own? कि आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप अलग अलग चीजों में चाय में डाल के खाते हैं, आप क्या करते हो? What is your strategy when it comes to khari? तो सर मेरा जो इससे रिश्ता रहा है वो बचपन का रहा है. हाँ. तो अहमदाबाद और इंदौर के बीच में जो एक्सचेंज था हमारा रिश्तेदारी का, हाँ. वो ये था कि अगर अहमदाबाद से कोई आएगा तो खारी लेके आएगा. करेक्ट. ठीक है. और इंदौर से हम सेव लेके जाए. सेम लेकर. तो खारी का हमारा वो रहता है, अहमदाबाद से आता था, हम एक्साइटेड होते थे. तो चाय का और खारी का जो है रिश्ता थोड़ा मजबूत मुझे लग रहा है. और दूध दूध में आप उसे डुबो के पूरा एक अलग ही टाइप का डिश बनता है वो. करेक्ट. शक्कर दूध और खारी. खारी ओहो ब्यूटीफुल. उसे कॉर्नफ्लेक्स कहते हैं. उसे कॉर्नफ्लेक्स सर. खारी की बस बुरी बात यही है कि सर बहुत ज्यादा टेंडर और नाजुक, मतलब उसका ईगो इज टू, इट्स टू कुछ जी बोल दो ऐसे. मेरे को लगता है मैं खारी को अगर जोर से देखूं तो टूट जाएगा वो. And I don't like तन्मय, that. तन्मय, तुझे खारी को सिर्फ खाने का डेट पे नहीं ले जाएगा.
सर दुकान से घर लाते लाते आधी खारी बिस्किट में चूर क्रंप नीचे वो रिमेनिंग रह जाते खारी बिस्किट के, वो एक्चुअली अच्छा है। खारी बिस्किट एक बार खत्म भी हो जाए ना फिर उसके हाँ। नीचे जो मतलब 100 ग्राम खारी बिस्किट टूटा हुआ मिलता है ऐसा लगता है कि अलग ही स्नैक बन चुका है उसके ऊपर रबर एंड यू कैन काइंड ऑफ ड्रिंक दैट प्रसाद की तरह क्या वाह इससे जैसे हर चाय के कप में टाइटैनिक जैसा एक आधा मारी बिस्किट तो मिलता ही है नीचे टाइटैनिक जैसा लिटरली ये कह रहा अरे ये भी था यहाँ पे Because we're all very passionate about biscuits. Let's face it. Of course. Yes, passion. Of course. Hai. Of course. ठीक है profession comedy है पर सचमुच तो दिल से हमको तो करना तो life में biscuit ही था. 100%. Yes. उसमें बचपन से first thing we remember is biscuits. Biscuits. Yes. सर आजकल जो biscuit जो industry है हमारी जो प्यारी industry है के अंदर बहुत फालतू का मतलब थोड़ा show off ही वगैरह होने लगा है. Like मैंने notice किया latest trend सर कि आप एक individual biscuit वगैरह खरीद सकते हो. ये बिस्किट नहीं है पर ये उसी शेल्फ पे बैठा रहता है. जैसे ये डार्क फैंटेसी देखी आपने तो इतने बड़े डब्बे में आते तीन बिस्किट ये देखिए सर डार्क फैंटेसी ये कोई बिस्किट है ये बिस्किट नहीं है सर. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिस्किट है ये चार घंटे क्यों लगते हैं मुझे इस तक पहुंचने के लिए. बिस्किट की खूबी ये होती है कि आप पैकेट फाड़ दो तो दस के दस आपके गोद में आ जाएंगे बिल्कुल ठीक है. डार्क फैंटेसी वैसे नहीं है पहले आपको ऊपर से पैकेट खोलना पड़ेगा फिर पैकेट खोलने के बाद एक अंदर एक और कुछ तो चार अलग 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 तो मैं जो दो बिस्किट खाने के लिए चार महीने का ये डस्टबिन क्यों भर रहा है यहाँ पे. मतलब आपका बिस्किट है क्या इसके अंदर नासा के कोड लिखे हैं जो चार चार पैक में लग रही है. आई एग्री चॉकलेट बर्स्ट आई विल टेक इट इफ देयर इज नो अदर बिस्किट ये मैं लास्ट खरीदूंगा शॉप में. बट उससे अच्छा आपको चॉकलेट बर्स्ट डालना है तो हाइड एंड सीक में आता है. I think we should propose a rule. आप किराने वाले के पास जब 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 आप सुट्टा लेते हो तो आप दो अलग अलग सुट्टा ले सकते हो ना पैकेट में से. आई थिंक दे शुड ऑल्सो बी ओपन टू सेलिंग बिस्किट्स इंडिविजुअली. अग्रीड. हाँ आई वॉन्ट टू नो सबका स्टांस क्या है हाइड एंड सीक बिस्किट पे. क्या लगता है आपसे. अप्रिशिएट डेफिनेटली मेबी नॉट टॉप थ्री बट इट्स लाइक इट्स देयर ऑन द हायर रंग साकिब इंडिया में. तो बिस्किट में हमेशा से जो पोजीशन रखी है वो ग्लूकोस और हेल्दी और ये और वो फलाना ढिमका जबकि चॉकलेट हैज बीन ऑलवेज इन फेमस. करेक्ट. क्या रे क्या खाएगा तो ये हो जाएगा दांत खराब हो जाएंगे फलाना ढिमका. तो आपको जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा डीप कट ब्लाउज वाली फीलिंग है हाइड एंड सीक. अच्छा ये संस्कारी भी और नहीं भी. करेक्ट करेक्ट. बिस्किट का बिस्किट और चॉकलेट का स्वाद स्वाद. करेक्ट करेक्ट. वैसा सर एक शिकायत है मेरी हाइड एंड सीक टाइप की बिस्किट की सर. सी वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट बिस्किट इज यू कैन ईट बिस्किट बिटवीन टू हैवी मील्स. ये बस मेको बस फ्लोटिंग चलाना है मेको बस फ्लोट करना है जब तक फिर मैं ठूसू अपने मुंह के अंदर खाना. उस फ्लोटिंग पीरियड में मेको कुछ एक्सेसिव नहीं चाहिए कि मैं एक अगर मैं 10 भी खा जाऊं तो मेरी कुछ होने नहीं चाहिए. लेकिन ये जो हरामजादी है हाइड एंड सीक टाइप की बिस्किट जो होती है वो अगर आप 5 ज्यादा खा लो ना मुझे बस फ्लोट होना है. आप मेरे पेट में इतना हैवी क्यों हो रहे हो. दैट्स ट्रू. इट्स टू मच. It's fair. I just want you to become little lighter. I think they should sell hide and seek individually. yes. Why are you so heavy? के पैकेट के साथ आपको रहता है वो जो आप मैगी के बड़े वाले पैकेट के साथ होता है ना. हाँ हाँ. वो हाइड एंड सीक के पैकेट के साथ होता है. करेक्ट. वो खुल तो जाता है पर आपको मालूम है खत्म नहीं होगा. नहीं होगा वो. करेक्ट. आप बस रखते हो कि मैं एक साथ सिर्फ दो तीन ही खा सकता हूँ नहीं तो फिर उसके बाद I just feel fuck all. It's bad for your self esteem. Hide and seek से वो होता है. बट yes. मैं अगर 10 मोनाको खा लू ना मुझे गिल्ट नहीं होता है. मैं अगर 5 सारा हाइड एंड सीक खाऊं तो मैं पर्सनली अपोलोजाइज करता हूं मेरे डाइटिशियन को नेक्स्ट डे और जिम पुराने जिम ट्रेनर जो ट्रेन भी नहीं करते उनको फोन करके बोलता हूं मैं कि भाई आई थिंक तन्मय इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रेशर वी हैव बिकॉज़ ऑफ द चॉकलेट टेस्ट. यस यू नो दिस वी शुड बी हमें अपने आप को उससे रिहा करने की जरूरत है. But that's true. Hide and seek से एक एक वो problem है. कुछ कुछ biscuits बहुत ज़रा heavy हो जाती है, which I also think limit भी होनी चाहिए. Agree. आप don't try to be a meal. Yes. Yeah.
Yes. Be a snack. Good. Stay in your fucking lane. Yeah. Biscuit, be a biscuit. Stay on your fucking shelf. ये देखो मोनाको ने मील बनने की कोशिश की मोनाको ने फिर क्या किया हमने बोला फक ऑफ हम बस ऐसे मुट्ठी भर खाएंगे तुमको नहीं, अब नहीं करेंगे बिस्किट नहीं बिस्किट को भी सोचना चाहिए ना अगर कल मैं मैगी उठा के मेरे चाय में डालूं तो मैं कैसे हाँ, चलेगा नहीं चलेगा कैसे लगेगा मारी को नहीं चलेगा ना बिल्कुल देखो एवरीबॉडी हैज टू प्ले देयर कैरेक्टर एंड दैट्स माय मैसेज टू हाइड एंड सीक जस्ट चिल ओके least gangster threat ever. Four grown men threatening a biscuit. This is like tu chup rahe aur tu chup rahe. Arey dono same tha bhai.